हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, नवरात्र चल रहे हैं तो आज हम बनाएंगे नवरात्र के, बहुत लोग फलाहारी करते हैं तो फलाहारी थाली बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये शामक चावल ले लिए 1 कप जितना, तो इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम इस तरह एक तरफ रख देते हैं, हम आगे की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मीठा बनाएंगे। कोई हमने 2 एप्पल ले लिया, एप्पल को छील लिया, इस तरह से काट लिया। अब इसको हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हमने ग्रेट कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह के हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई लिया, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी, देसी घी। अब इसमें डाल देंगे हम जो एप्पल सब्जी कट करके रखे थे, उसको डालेंगे। एप्पल हमारा ज़्यादा गल ना जाए इसके लिए हम साथ साथ में चीनी भी डाल देंगे, आधा कटोरी जितना। चीनी हमारा मेल्ट हो गया, हमें इसे जैम नहीं बनाना है। खाली हमारा एप्पल चीनी में पक जाए, बस चीनी हमारा थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। अब हम इसे गैस स्टोव को बंद कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। इसी कढ़ाई को साफ कर लिया, इसमें वापस हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। शामक चावल के जो पाउडर बना के रखा था ना, उसको इसमें 2 चम्मच हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेते हैं। अब चावल का आटा फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1 लीटर जितना दूध। इसे पका लेंगे हम दूध में। देखिए हमारा चावल पक चुका है दूध में। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने एप्पल क्रश बना रखा था ना, उसको डाल देंगे। एप्पल क्रश हम पहले इसलिए बनाए ताकि एप्पल से हमारा एप्पल और दूध चावल पक चुके हैं। अब इसमें हम बाकी का सामान ऐड करेंगे। चीनी हमने पहले ही डाल दिया था, चीनी अपने मीठे अनुसार, अपने स्वाद अनुसार डालिए। आपको ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा और डाल दीजिए, नहीं तो मैंने जितना डाला था उतना काफ़ी है इसके लिए। एप्पल डेजर्ट है तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा हम ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे हम। इस तरह का कोकोनट पाउडर आता है, मिल्क पाउडर, तो बाज़ार में अवेलेबल मिल जाते हैं इजीलिए। तो आप, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए, नहीं तो मत हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। मेरे पास थी तो मैं डाल रही, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये हमारी एप्पल की डेजर्ट बन के तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और इसमें डालने के लिए, बनाने के लिए आप इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये थोड़े से काजू हमने काट के रखे थे, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। केसर हमने भिगो के रखे थे। इतना टेस्टी और इतना यूनिक सा हमारा डेजर्ट तैयार हुआ है फ्रेंड। आप बनाओगे तो बोलोगे वाह क्या बनाया है। हमारे डेजर्ट बन के रेडी हो गया। इसे ठंडा करके परोसिएगा फ्रेंड, तो खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए गरम भी खा सकते हैं। तो अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और आगे की हम प्रोसेस बनाते हैं। ये हमने 2 शक्करकंद हमने उबाल लिए थे, इसको हम ग्रेट कर लेते हैं, ग्रेटर से कर लेंगे। ये हमने शक्करकंद को ग्रेट कर लिया। अब इसको इसमें डाल देते हैं बड़े बर्तन में, जिससे हमें मिक्स करने में आसानी रहे। हमने जो शामक चावल है उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच साबूदाना का पाउडर। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। शक्करकंद है तो थोड़ा सा हम इसमें अदरक कसा हुआ डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च कुटी हुई डालेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। फिर
फ्रेंड इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग कम ती लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 चम्मच हम कुट्टू का आटा डाल देंगे, जिससे इसमें बाइंडिंग अच्छा आ जाएगा। देखिए आटा हमारा गुथ गया, हम इस तरह से इतना टाइट गूथ लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम जब तक आगे का सामान बनाते तब तक हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमने थोड़े से जो श्यामा का चावल और आलू बचा के रखे थे शक्करकंद, उसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा आप अगर ना खाए तो मत डालें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची। अब इसका एक डो पेस्ट जैसा बना लेंगे हम। थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हम 1 बड़ा चम्मच कुट्टू का आटा डाल देंगे, ग्रेट चीज़ डालेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम फ्रेश क्रश की हुई ताज़ा नारियल डालेंगे। ठीक है, हमने ऐसे डो बना लिया। अब इसे भी हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा चावल और कुट्टू का आटा वगैरह सेट हो जाए भीग के। अब इसको रख देते एक तरफ। हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे, आप घी से भी बना सकते हो। इसमें हमने जीरा डाल दिया, जीरा हमारा तड़क दिया। अब इसमें हम 2 हरी मिर्ची कुटी डाल देंगे। अब इसमें हमने ये जो पेठा है कद्दू है छोटे छोटे काट लिए थे, इसको इसमें डाल देंगे। कद्दू हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, थोड़े से हमने अदरक प्लेट करके डाले हैं, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जल्दी आ जाते हैं। अब इसमें हम नमक डाल दिए, सेंधा नमक डाल दिए। अब इसमें 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया। जीरा को मत डालिए, ऑप्शनल है। अब इसमें मैं इसको कद्दू की सब्जी को थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसे हम जल्दी से चला देंगे। इसमें डाल दिया हमने 1/2 कप जितना दही है। इसको ढक के हम पकाएंगे। ये कद्दू हमारा गल गया, ये देखिए ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब इसमें थोड़े से हम डालेंगे चीनी, ऑप्शनल है। थोड़ी सी डालेंगे घी, थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला। सब्जी हमारा पक गया है। और थोड़े से लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ती। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में। एक कढ़ाई हमने गरम होने के लिए रख दिया, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। हमने 2 चम्मच दही ले लिया, एक मसाला रेडी करेंगे हम। इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर डाल दिया हमने। अब इसे अच्छा से फेंट लेते हैं। हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल दिया हमने जीरा। 1 चम्मच हम डालेंगे फ्रेश नारियल कद्दू पकी हुई। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा 1 चम्मच थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई, 1 हरी मिर्च क्रश की हुई, इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो हमने मसाला पेस्ट बनाए थे उसको डाल देते हैं इसमें। देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 4 आलू को हमने बॉईल करके छील लिया, छील के हाथ से क्रश कर लिया हमने, उसको इसमें डाल देंगे। आलू भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका। अब इसमें हम डालेंगे पानी, रेशेदार सब्जी बनाएंगे तो थोड़ी सी पानी तो डालना ही पड़ेगा। ये आलू की सब्जी भी हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा और मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी डालेंगे घी, घी गरम मसाला ऑप्शनल है। अब लास्ट में डाल देंगे इसमें धनिया, थोड़ी सी डालेंगे अमचूर पाउडर। सब्जी हमारा पक के रेडी हो गया। देखिए कितना बढ़िया कलर और कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में।
ये हमने जो बैटर रेडी किया था अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी गाढ़ी लगी तो मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर ली। अब इसको हम गोल गोल पकौड़े बना लेंगे। हमारे पकौड़े तल गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। हमने एक बाउल में पानी ले लिया, इसमें सेंधा नमक डाल देंगे क्योंकि व्रत की थाली है फलाहारी का। और थोड़ी सी डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे। हमने जो पकोड़े बनाए थे उसको इसमें पानी में, मैं इसके दही बड़े बनाऊंगी फ्रेंड, इसलिए इसमें हम पानी में पोर करेंगे, इसको सोप करेंगे। तक हमारे पकोड़े भीगते हैं तब तक हम इसके लिए दही रेडी कर लेते हैं। ये हमने दही ले लिया, दही को हमने फेंट लिया। अब इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। ये हमने इसमें चीनी और नमक मिक्स कर लिया, इसको अब एक तरफ रख देते हैं। जब तक हमारा बड़े भीगते हैं तब तक हम पूड़ी बना लेते हैं। ये हमारा पूरी का आटा भी रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छा से चिकना कर लेंगे हम। इसे ऑयल लगा लिया, अब इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। एक कटोरी ले लेंगे या कुछ कोई भी बर्तन ले लेंगे, उससे हम कट कर लेंगे। जिस देखिए हमने ज़्यादा पतला नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे तो टूट जाएंगी पूड़ियाँ हमारी। फ्रेंड तेल चढ़ा दिया था हमने, अब इसमें एक एक करके हम फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे ज़्यादा। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए पूरी हमारा कितना गुब्बारे जैसा फूल के रेडी हो रहा है। बाकी के वैसे ही हम सब फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड दही बड़े भी हमारे बहुत अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम दही में डाल देंगे हल्का हाथ से निचोड़ निचोड़ के। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हमारे दही बड़ा और टेस्टी तो है ही। आप अगर खजूर और इमली की चटनी खाते हो तो डाल दीजिएगा, हम लोग तो खाते हैं इसलिए हम डाल रहे हैं। देंगे हम ग्रीन चटनी, भुना हुआ जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। बस ये हमारा बढ़िया से दही बड़े, इतने फलाहारी दही बड़े रेडी हो गया। तो चलिए हम थाली लगाते हैं, डेजर्ट को भी देख लेते हैं। ये देखिए डेजर्ट हमारा बनके इतना बढ़िया रेडी हो गया और टेस्टी भी बहुत बना है, तो इसको भी हम गार्निश कर लेते हैं कटोरी में डाल के। आम का क्रश था वो मैं डाल दूँ, आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी क्रश हो तो वो भी डाल सकते हो आप। थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे हम बादाम, थोड़ी सी हम गुलाब की पत्तियों से इसको गार्निश कर देंगे। ये हमारा लाजवाब डेजर्ट बनके रेडी हो गया फ्रेंड। लेकिन मानिए इसका टेस्ट आप एक बार आप बना लोगे तो इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाओगे, बार बार बनाना चाहोगे। फ्रेंड मेरी ये फलाहारी थाली बनके रेडी हो गया, देखिए कितना टेंप्टिंग, जितना टेंप्टिंग उतने खाने में भी मज़ेदार। मुझे देख के तो इतनी खुशी हो रही है, मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। तो मेरी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए मुझसे निरूप का जा रहा, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते कोई अगली नई वीडियो में। बाय बाय।